नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ बिहार पे। मेरे कैमरे की तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे बिहार दिवस 2022, यानी कि आज है बिहार दिवस। बिहार अपना आज 110वां जन्मदिन मना रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण 2 वर्षों से बिहार दिवस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन 2022 का यह बिहार दिवस यानी कि बिहार का जन्म दिवस बेहद ख़ास है, क्योंकि 2 वर्षों के बाद इस तरीके का ये मेला लगा है। और बिहार दिवस के कार्यक्रम में देखिए, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग और दर्शक जो है वो पहुँचे हुए हैं, और तमाम वो चीज़ें बिहार की दिखाई जाएंगी इस बिहार दिवस में। रंगारंग कार्यक्रम होगा। सामने में आप देख पा रहे होंगे कि एक मंच बनाया गया। इस मंच पे अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तमाम वो चीज़ें बिहार सरकार के तरफ से जो बिहार के उत्थान के लिए किया जा रहा है, उन चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। उन तस्वीरों को हम भी आपके तक पहुँचाएँगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि लोग किस प्रकार से पटना के गांधी मैदान में जिस चीज़ों का वो इंतज़ार कर रहे थे कई 2 वर्षों से, क्योंकि कोरोना का समय रहा था, इस कोरोना के समय में भी लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया है। बिहार दिवस को लोगों ने काफ़ी मिस किया है। जिस प्रकार से कार्यक्रम होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम को लोगों ने मिस किया है। तो अब लोगों में ये उत्साह है और लोग देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे हुए देखने के लिए। और ये देखिए चेक डैम जल संरचना किस प्रकार से, ये इसका एक सैंपल दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे आज। हरियाली को लेकर के, जल जीवन हरियाली को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यात्रा करते हैं। हम आपको खबरों के माध्यम से भी दिखाए हैं कि जल जीवन हरियाली की वो यात्रा करते हैं, और जल जीवन हरियाली में किस प्रकार से बिहार को उत्थान के लिए क्या किया जाए, उन तमाम चीज़ों को दिखाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से उसका एक संरचना यहाँ पर बनाया गया है और कोटेशन दिया गया है, पेड़ में है ज़िंदगी। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। लोग आए हैं काफ़ी दूर से और देखिए इन चीज़ों को अपने कैमरे में वो कैद भी कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और वो देखिए बिहार की एक जो मैप होती है वो बनाई गई है, पेयजल का भी यानी कि पानी का भी व्यवस्था है। रंगारंग कार्यक्रम की आज से शुरुआत होने वाली है, रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत भी होने वाली है। और छोड़े चलते हम आपको तस्वीरों के माध्यम से पर्यटन विभाग के तरफ से देखिए किस प्रकार से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। उन तस्वीरों के साथ छोड़े चलते हैं, जुड़े रहिए न्यूज़ बिहार के साथ। ऐसी ही खबरें हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।